हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश के लिए पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के गति विषय में बताते हैं। गति क्या होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं। गति की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। गति मुख्यतः हमें चार प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन से तो आप कह सकते हैं, पहला आपका है सरल रेखीय गति, दूसरा आप कह सकते हैं वृत्ति गति, तीसरा आप कह सकते हैं दोलन गति, चौथा आप कह सकते हैं प्रक्षेप गति। ये हमें चार प्रकार की गति को पढ़ना है और हम आपको एक एक गति के विषय में बताते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होते हैं, वृत्ति गति क्या होंगे, दोलन क्या होंगे और प्रक्षेप गति। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सरल रेखीय गति के विषय में कि सरल रेखीय गति होते क्या है। सरल रेखीय गति में आपको पढ़ना कौन क्या 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 है। सरल रेखीय गति या इसी को हम कह सकते हैं सिंपल लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति क्या होगा, कह सकते हैं यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करता है तो हम उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, या कह सकते हैं यदि कोई वस्तु किसी सीधी रेखा पर समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति करते हैं। कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति में एग्जाम्पल कौन से हैं तो आप कह सकते हैं सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ बालक, या कह सकते हैं किसी मीनार या खम्भे से सरकता हुआ बंदर। ये आपके सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल हैं। सरल रेखीय क्या, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करते हैं तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं सीधी पतली पतंग की गति, सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ बालक, मीनार से सरकता हुआ बंतर। इस सरल रेखीय गति में हमें क्या क्या पढ़ना है, दूरी पढ़ना है, विस्थापन पढ़ना है, चाल, वेग और त्वरण। तो बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। दूरी
जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। दूरी क्या होगा? कह सकते हैं किसी वस्तु का एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का एक निश्चित समय में पथ द्वारा या पथ पर चली गई दूरी, पथ पर चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अगर हम ए, जैसे ए पे हम हैं, हमें बी तक जाना है और हमारा जो रास्ता है ये इस तरह से है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा जो पथ है, इस पथ पर जितनी दूरी, जितनी लंबाई हम तय करेंगे यही हमारी पूरी दूरी कहलाती है। और ये जो दूरी होती है, अगर दूरी की मात्रा की बात करते हैं तो दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर। दूरी की बीमा की बात करते हैं तो बीमा आपका होता है एल। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी आपका एक अदिश राशि है। और ये जो दूरी होते हैं, दूरी का ऐसा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, तो दूरी आपको कहते हैं इस पथ पर तय की गई लंबाई को, और पथ की लंबाई सदैव क्या होता है? धनात्मक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं दूरी सदैव धनात्मक होते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु का एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। बीमा आपका एल होता है। राशि आपका अदिश होती है। और दूरी सदैव आपके क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस पथ पर चले गए व्यक्ति की जो पथ पर चले गए व्यक्ति के द्वारा जो आप तय करते हैं, हम उसे ही दूरी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद आपका पॉइंट है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं विस्थापन का किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को हम लोग विस्थापन कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु के दो बिंदुओं के स्थान परिवर्तन को, या दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ भी विस्थापन का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। राशि की बात करेंगे तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। और बीमा की बात करेंगे तो बीमा आपका एल होता है। तो हमने आपको बताया कि यह विस्थापन क्या होगा? किसी वस्तु के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं किसी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कर सकते हैं। जैसे आप ए है, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो आपको अगर बताया जाए तो अगर ए और बी का अगर जाने के लिए अगर सीधी ये रास्ता अगर इस तरह से हो टेढ़े मेढ़े, तो हमें
इस पथ के माध्यम के द्वारा अगर हम बी तक पहुंचते हैं तो ये पथ पर जो हम चलते हैं, पथ द्वारा जो तय की गई लंबाई होती है, ये हमारे पूरी क्या होती है, दूरी होती है। जबकि बिंदु ए से बी तक का जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, या कह सकते हैं ए से बी तक जाने में जो सबसे कम दूरी तय करेंगे, यही दूरी, या कह सकते हैं जो जाने में कम आपका लंबाई होगा, यही लंबाई हमारी क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। और आप जानते हैं यहाँ पे ये अंतर है, तो अंतर किसका है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका विस्थापन होता है, यह विस्थापन अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, और दो बिंदु के बीच का अंतर है, तो आपका ये आपका दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अंतिम बिंदु अधिक हो सकता है, ये कम हो सकता है, तो दोनों में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि आपका जो विस्थापन है, विस्थापन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का बीच का क्या है, ये अंतर है, और अंतर आपका क्या होगा, सदैव आपका अंतर आपका प्लस माइनस और शून्य तीनों हो सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसके बाद हम आपको दूरी और विस्थापन में कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको बताते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धावक यदि कोई धावक 500 मीटर परिधि वाले वृत्तीय मैदान में 5 चक्कर लगाते हैं तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न क्या है, यदि कोई धावक 500 मीटर परिधि वाले वृत्तीय मैदान में 5 चक्कर लगाते हैं तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका ये कैसा मैदान है, तो वृत्तीय मैदान मतलब आपका ये कि ये आपका सर्कुलर है, और जब ये वृत्तीय मैदान है तो इस वृत्तीय मैदान की जो चारों मतलब कह सकते हैं जो चारों दिशाओं की लंबाई होगी, या कह सकते हैं जो इसकी परिधि है, यह जो परिधि है, यह परिधि कितना दिया गया है, 500 मीटर है। मतलब अगर वो एक चक्कर लगाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है जो धावक था, अगर ए बिंदु से घूमते हुए ए तक चला जाएगा तो ये जो पूरी लंबाई है ये कितना है, 500 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 5 चक्कर लगाते हैं तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि कोई व्यक्ति अगर वृत्तीय मैदान की बात करते हैं तो चक्कर और जो परिधि होंगे उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दूरी आप जानते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा तय की गई लंबाई है, और लंबाई आप जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में लंबाई कितना है, 500 मीटर, तो हमें लगाना कितना है, 5 चक्कर। तो एक चक्कर लगाएंगे 500, फिर एक चक्कर लगाएंगे 500, फिर एक चक्कर, मतलब इसी तरह से अगर 5 चक्कर लगाते हैं तो हर चक्कर में हमें कितना चलना होगा, 500, और 5 बार अगर 500 करेंगे तो 500 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 मीटर, या सीधे सूत्र में लग देंगे, चक्कर कितना है 5, परिधि कितना है 500 मीटर, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 500 = 2500 मीटर, या इसी को आप किलोमीटर में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किलोमीटर में बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं 2.5 किमी, 1000 से हम भाग कर देंगे। विस्थापन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वह विस्थापन आपको बताया था हमने पिछले अभी इसके पहले लेक्चर में कि विस्थापन क्या होता है, कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं।
तो आपको बताया गया कि हम कहाँ से शुरू किए, बिंदु ए से। अगर ए से आप चक्कर लगाना शुरू किए तो एक चक्कर लगाने के बाद आप कहाँ पहुँचे, ए पे। फिर दो चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचे, ए पर। तीन चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचे, ए पर। फिर चार चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचे, ए पर। मतलब आप पांच चक्कर लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि आप जहाँ से चलना प्रारंभ किए थे आप उसी स्थान पर क्या किए, पहुँचे। और जब उसी स्थान में पहुँचे तो आपके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात आप जहाँ पे हैं उसी स्थान पे है, मतलब आपके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, शून्य है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी दिक्कत। आगे देखिए, अगला प्रश्न का दे दिया जाए कि ये अगला प्रश्न आपका है, दिया गया है यदि कोई धावक 500 मीटर परिधि वाले वृत्तीय मैदान में ढाई चक्कर, दूसरा एक बजे दो चक्कर लगाते हैं, तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे ये आपका वृत्तीय मैदान है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ए है। और हमने आपको बताया भी थे दूरी के पिछले प्रश्न में कैसे सॉल्व करते हैं, दूरी सबसे आसान तरीका ज्ञात करने के लिए कि कोई अगर वृत्तीय मैदान में दिया जाए तो आपके जितना वो चक्कर लगाते हैं उस चक्कर का उसके परिधि में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि चक्कर कितना होगा, दो सही एक बटे दो, और जब दो सही एक बटे दो है तो इसको आप देखिए दो दो चार एक पाँच बटे दो, गुणे कितना होगा 500, तो आप दो से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, तो 250 का पाँच में करेंगे 25 पच्चीस 125, तो ये आपका हो जाएगा 1250 मीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.25 किमी। विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन कितना होगा तो आप देखेंगे हम कहाँ से शुरू किए थे, बिंदु ए से, और ये हमारा कहाँ होगा, केंद्र होगा। और जब बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए तो एक चक्कर लगाने के बाद आप कहाँ पहुँचे, ए पर। दो चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचे, ए पर। और जब आधा चक्कर अगर लगाते हैं तो ये जो आधा चक्कर होगा इस वृत्तीय मैदान को वह दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जब दो भागों में डिवाइड करेगा तो अब हम कहाँ पहुँचे, बी पे। और ये जब बी पे पहुँचेंगे, यह ए और बी इन दोनों वृत्त को दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने बताया था विस्थापन में कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। तो ए से बी तक सबसे कम दूरी आपका कौन सा होगा, तो आपके दिमाग में होगा कि ये मैसेज है, लेकिन परिधि से अगर ए से भी जाएंगे तो ये आपका लंबा होगा। तो सबसे सबसे कम दूरी जो होगा ये आपका इससे से, और ये आपका जो ए और बी है यह दोनों अगर आधे आधे वृत्त को डिवाइड करेंगे, और आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त को दो भागों में डिवाइड उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा अर्थात व्यास ही उसको दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपका जो विस्थापन होगा ये सबसे कम दूरी कौन है, ये ए से बी तक है, अर्थात इस वृत्त का जो व्यास होगा वही इसके लिए विस्थापन का कार्य करेगा। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, व्यास होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। और जब त्रिज्या का दोगुना है तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो परिधि है ये कितना है, 500 मीटर। और आप जानते हैं परिधि कितना होता है, 2πr = 500 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 2r/7 = 500 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 2r =
500 × 7/22, तो इसको आप कह सकते हैं 11, ये हो जाएगा 25, तो आप कह सकते हैं 25 × 6 = 150, तो ये 1750/11 मीटर, ये आपका 2R, 2R का मतलब वृत्त के त्रिज्या का दोगुना, तो इसका जो विस्थापन होगा, ये जो विस्थापन होगा वो आपका आएगा 1750/11 मीटर। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसी पर एक और प्रश्न लिख लीजिए, यदि कोई धावक 88 मीटर परिधि वाले वृत्तीय मैदान में एक सही 1/2 अर्थात 1.5 चक्कर लगाते हैं, तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। आप अगर आप देखेंगे, ये आपका कोई वृत्त है, इस वृत्त पर बिंदु ए से आप चलना प्रारंभ किए, तो एक चक्कर लगाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ए पर। फिर आप आधे चक्कर लगाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, बी पर। मतलब ए और बी इसको वृत्त को दो भागों में डिवाइड करेगा, तो जब दो भागों में डिवाइड करेगा तो आपको दूरी विस्थापन ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था कि दूरी विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं चक्कर गुणे परिधि, और ये आपका कितना चक्कर होगा, 1/1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 = 3/2 = 88 मीटर। तो इसको आप कह सकते हैं 2 से ये आपका कितना होगा 44, तो ये आपका होगा 132 मीटर। विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन क्या होगा, तो आपको विस्थापन में आप कहाँ से पहुँचे, ए पे थे, हम अब कहाँ पे आए, बी पर। तो इसको अब ये कितने भागों में बांटा, दो भागों में, क्योंकि यह इसको आधा चक्कर लगाएगा, जब एक चक्कर ये पूरा लगेगा तो आधा चक्कर इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, और दो भागों में कौन डिवाइड करेगा, व्यास। तो इसका भी विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, व्यास होगा, और व्यास को आप लिख सकते हैं 2 × त्रिज्या, तो हमें इस वृत्त का त्रिज्या भी ज्ञात करना होगा। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं परिधि कितना है, 88 मीटर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कि परिधि बराबर कितना होगा, 88 मीटर, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2πr = 88, 2π का मान होता है 22/7, r आपकी त्रिज्या होगा कितना, 88, तो जब r = करेंगे तो ये आपका होगा 22 × 44 × 88, तो r = 2×7, तो 7 × 14 मीटर। तो यहाँ r का जब मान रखेंगे 2×14 = 14×28 मीटर, ये आपका इस तरह से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई धावक 88 मीटर परिधि वाले वृत्तीय मैदान में 1 × 1/4 चक्कर लगाते हैं, तो उस धावक के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये आप प्रश्न आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगले पार्ट में हम जब इसको सॉल्व करके फिर आपको आगे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा।